मैं हुसैन सुल्तान, रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि अमृत नगर के मित्तल ग्राउंड में एक बड़े ही पैमाने पे मुमरा फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। इस फेस्टिवल का आयोजन थाने एनसीपी की जो युवती अध्यक्ष है पल्लवी जगताप की ओर से किया गया था। और बहुत ही ये तकरीबन जैसा देखा जा रहा था कि मुमरा में बड़े पैमाने पर ये कामयाब फेस्टिवल रहा है। यहाँ पे हर तरीके के जो यहाँ पे कंपटीशन थे, कुकिंग थे, डांसिंग थे, सिंगिंग थे और तरी तरीके के यहाँ पे पेंटिंग थे, बहुत सारे कंपटीशन यहाँ पे हुए थे। और ये कुल मिलाकर यहाँ पे ये 10 रोज तक ये जो फेस्टिवल रहा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मुमरा शहर के तकरीबन यहाँ के लोग इस झूले में, यहाँ पे इस मेले में आए थे, इस फेस्टिवल में आए थे। यहाँ पे खाने की दुकान थे, बच्चों के खरीदने की दुकान थे, एक अलग तरीके का ही माहौल यहाँ पे नज़र आ रहा था। पहली बार जब कोरोना काल के बाद जब लोग इससे बाहर आए तो इस तरीके से मुमरा शहर में आज लोगों का हुजूम नज़र आया। 15 दिन से ये लगातार ये मेला यहाँ पे जारी है। 24 फरवरी से इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी शुरुआत यहाँ के जो सीनियर लीडर सैयद अली भाई साहब के हाथों इसका उद्घाटन हुआ था। उनके साथ में यहाँ के विरोधी पक्ष नेता अशरफ जानू पठान भी यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा कई पदाधिकारी एनसीपी के यहाँ पे आए और इस जो फेस्टिवल का आयोजन किया गया था उसकी बड़ी तारीफ की। आइए, इस मौके पर भी हमने यहाँ के एनसीपी के सीनियर लीडर है सैयद अली भाई साहब से बात की, क्या कहा उन्होंने वो भी जानते हैं। वहीं पे पल्लवी जगताप से भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है। वहीं नगर सेविका सुनीता सातपुते से भी जानते हैं कि इस मेले को आयोजन करने का उनका क्या मकसद है, क्या किस तरीके की कठिनाई आई, क्या परेशानी आई, इनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना। इसी तरह की और भी खबरें जानने के लिए देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। मैं हुसैन सुल्तान, रणभूमि न्यूज़ से अलविदा लेता हूँ, फिर एक नई खबर के साथ मैं हाजिर होऊंगा। सबसे पहले तो इसकी सोच और इसके विचार करने वाली पल्लवी को मुबारकबाद। उसने शहर के अंदर जो है ना एक कोरोना के बाद एक अच्छा माहौल जिसको बोला जाए, अच्छा माहौल। और देखिए, मैंने कहा कि अभी मैं अंदर आ रहा था तो मैंने कहा ये मिडिल क्लास का मेला है, ये मॉल में जाने वालों का मेला नहीं है, ये एकदम नेचुरल जो हमने अपने बचपने में मेला देखा ना वो मेला है, बच्चे छोटे छोटे लोग जो है। तो ये बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम मुमरा का, अच्छे कार्यक्रमों में से ये कार्यक्रम जो पब्लिक के लिए, इसके लिए इसकी पूरी टीम को मुबारकबाद तहे दिल से। मतलब आप गेट के पास से देखो बच्चे कैसे, तीन तीन बच्चे जा रहे अपनी माँ के साथ, मतलब सबका वो अलग। इस कार्यक्रम के पीछे बहुत से लोग लगे भी, बहुत कई चीज़ें हुई। तो मैंने पल्लवी को बोला, उसने मेरी बात को रखा, उसने वो चीज़ को नहीं करने दिया। पर मैं बड़े अफसोस के साथ आज ये बात यहाँ से कहूँगा कि वही चीज़ें दूसरी जगहों पे होती तो क्यों नहीं ये बात की जाती है। एग्जैक्टली क्यों एक इसको अभी मैं क्या बोलूँ कि गलत बात है ये, जिन लोगों ने भी किया गलत किया। आप अपनी जगहों पे, अपने समाज के अंदर जो चल रहा है उस पर आप बोलने को तैयार नहीं है। और एक अच्छा इन्वायरमेंट इसने दिया ये कार्यक्रम के माध्यम से पूरे शहर को, तो आप वो ये बोलते हैं ना कि गरीब को दबा दो और अमीर को छोड़ दो, ये अच्छा नहीं है। ये मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ कि सबसे बेहतरीन प्रोग्राम ये शहर का ये है जिसमें सारे लोग इंजॉय कर रहे। पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स का तो छोड़ दो, देखो अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, उसने अच्छा किया उसको अच्छा मिल जाएगा, लेकिन लोग इंजॉय कर रहे, कहीं कुछ नहीं, अफरा तफरी नहीं, किसी को डंडा नहीं मारा जा रहा है, किसी को हकाया नहीं जा रहा है। और लोअर मिडिल क्लास यहाँ पे पूरा भरा पड़ा है। कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के जरिए यहाँ का जो मुमरा का यूथ टैलेंट बाहर आ रहा है उसको लेकर क्या है? बेहतरीन चीज है, आना चाहिए बाहर और आ रहा है बाहर। हर माध्यम से अगर आप पूरा घूम रहे होंगे तो हर माध्यम से कहीं ना कहीं ये बाहर आ रहा है। देख रहे हैं कि इस वक्त जो मुल्क का जो वातावरण, देखिए आपको कहीं ऐसा एहसास हो रहा है कि हम लोग हिंदू मुसलमान में बटे हुए हैं? कहीं ऐसा मैं माहौल लग रहा है? आप देखो चारों तरफ देखो, अगर आप आपकी मीडिया की निगाह है तो आप लोग देखो, ऐसा लग रहा है कि हम पुराने दौर में जी रहे। और हाँ, और हमारे मुमरा की एक मिसाल है कि ये शहर ऐसे ही जीता है। इसके लिए इस शहर पे नज़र ना लगे, मैं बहुत डरता हूँ कि नज़र ना लगे
इस शहर को और यही वातावरण हमेशा जिंदा रहे। मेरे शहर में है वो, शायद हो सकता है लोग ऐसा बोलेंगे आप परदेश पे आप ऐसी बात करते, लेकिन लोगों को सीखना तो मुमरा है। यहाँ के हिंदू मुस्लिम का वातावरण अब ये देख लीजिए ना, मेला कौन लोग चेक कर रहे हैं और पब्लिक कहाँ है देख लो आप। भाई साहब ये मुमरा भी पहले इसको बोलता हूँ हर साल करे, और मैं पीछे इसके लिए पूरी ताकत से खड़ा हूँ, और मैं जानता हूँ कि इसकी नकल भी होगी। अभी से बता रहा हूँ कि इसकी नकल भी होगी कि टक्कर में एक फेस्टिवल बनाया जाएगा वो, लेकिन नेचुरल नेचुरल होता है, सही सही होता है। जैसा बोलते हैं ना भाई साहब, तो बनने की कोशिश बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो कुदरत भाई साहब बनाती है वो भाई साहब है। ये इवेंट इतना कामयाब रहा, कहीं ना कहीं ये बातें सामने आ रही थी कि ये इवेंट हमको देना चाहिए था, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि मुकद्दर में उसके था क्या बात, और मेहनत उसकी थी, 15 दिन ये करना और कराना ये खाने का काम नहीं है भाई। ये लोग का ही कलेजा था कि जिन्होंने कर लिया और पार पा लिया। आज 15 दिन ना तो इसके लिए मैं फिर एक बार तो मुबारकबाद देता हूँ, इसके आगे शब्द नहीं है। अभी इनकी कोशिश है कि आगे भी ये इवेंट करेगी, हो सकता है कि फिर हाईजेक हो जाए, उसके लिए क्या करें? नहीं नहीं हाईजेक देखिए, नकल होती है, असल होती है। उसने दिल से की, उसने इस खूबसूरत माहौल को सोच के की, तो वो करेंगे। तो देखो ओरिजिनल ऑलवेज ओरिजिनल होता है और नकली हमेशा नकली होता है। मुझे बहुत प्राउड हो रहा है, और मैं सबसे पहले ये बात कहूँगी कि जिन्होंने ये सोच दी, मतलब अवार साहब हमारे आमदार, तो ये सबसे उनको क्रेडिट जाता है। लेकिन ये करने के लिए देखो भाई साहब एक मुमरा के लिए हमारे लिए ऐसे हैं, जैसे फैमिली में देखो बच्चे क्या करते हैं, पिताजी जब कोई मांग पूरी नहीं करते तो बच्चे किसके पास जाते हैं? माँ के पास। और माँ को क्या बोलते हैं? माँ मेरे को पिताजी से ये दिलवाओ। तो वो जो रिश्ता है ना वो भाई साहब का और हमारा है पहले से, कि अगर चाहे राजनीति में हो सामाजिक काम में हो, तो हमको ऐसा लगता नहीं कि हमको इधर प्रॉब्लम है इधर कुछ, तो हम जैसे वो माँ की जगह रख के भाई साहब के पास जाते हैं। अभी भी मैं हमेशा गई हूँ, मेरी बेटी भी अभी जा रही है, कि उनको हम दिल खुला करते हैं। तो भाई साहब वो माँ की जगह है कि वो सुन लेते हैं कि मेरे मुमरा के लोग हैं, मेरे हमारे बच्चे ये, तो वो हिसाब से आगे वो बात चलाते। तो इसके लिए भाई साहब का ये रिश्ता है मुमरा के लिए। तो वो जाति पाति का धर्म का तो छोड़ो, हमने कभी वो सोचा भी नहीं, क्योंकि वो हमारे हम लोग सब यहाँ की पैदाइश है हमारी, हमने कभी वो सोचा नहीं। और जैसे पल्लवी ने आप बोले कि आगे आगे जो मतलब ये किया मुश्किल आई, मैं कहूँ ये धुआँ रहता है ना, धुका क्या बोलते उसको, ठंडी में आता है वो, हाँ सुबह की जो रहती है वो, देखो हमको आगे कुछ दिखता नहीं, लेकिन एक पैर आगे डालो रास्ता मिलता है, फिर एक आगे पैर डालो रास्ता मिलता है। तो हम अगर ऐसा सोचेंगे इसमें धुन में हम कुछ हमको हम जाएंगे ही नहीं, कुछ दिखता ही नहीं, तो ये गलत है। उसमें तुम जाओ ना, एक पैर डालो, एक एक पैर एक एक डालते जाओ तो रास्ता ज़रूर मिलता है। वैसा ये काम है सब, तो इसमें ये होने वाला है, कुछ ना कुछ होने वाले, सबकी सोच अलग है, विचार अलग है। सरकार ये ग्रैंड सक्सेस हुआ, इसका आपको खुशी? बहुत खुशी हुई मुझे, बहुत खुशी है, और मैं इसके लिए खुशी हूँ कि मेरे बाद ये जो हमारे पार्टी के भाई साहब जैसे लोग हैं पार्टी में, मेरे बच्चे को कभी तकलीफ आने वाली ना आएगी, तो वो ये लोग साथ में, इसके लिए मैं ज़्यादा खुश हूँ। धन्यवाद। मैंने इसके लिए लिया कि मेरे सर पे आवाड़ साहब और भाई साहब का हाथ था, पार्टी के सारे नेता मेरे साथ में थे, हर कोई मेरे साथ खड़ा रहा, लेकिन जब जब मुश्किलें आई तब तब सभी ने साथ दिया, और ख़ास तौर पे भाई साहब और अवर साहब ने मेरा बेहतरीन साथ दिया, शमीम खान साहब ने भी मेरा बेहतरीन साथ दिया, और इसीलिए जैसे जैसे रिस्क आ रहे थे वैसे वैसे मैं वो पार करते करते आगे जा रही थी। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा मैं मुमरा के आवाम का करूँगी कि जिन्होंने मुझे इतना साथ दिया। आज का 15वां दिन है और एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि ये ग्राउंड खाली था, खचाखच भरा है। आज भी आप देखोगे दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, तो ये उनकी दुआ है और उनका प्यार है कि जो हम जैसे नौजवानों को रिस्क लेने के लिए हमें कुछ नहीं लगता है कि चलो ले सकते हैं, क्योंकि जनता अपने साथ है। ओके, तो क्या क्या चीज़ को यहाँ पर प्रमोट किया है, और कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज भी उठी थी, बट क्या क्या चीज़ को आपने प्रमोट किया था और क्या कॉन्ट्रोवर्सीज उनके इस पर आए थे? प्रमोट मैंने यहाँ पे जो यूथ है, मैं खुद ही युवती की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, तो यूथ के लिए काम करना हमारा कर्तव्य है। तो यूथ के जो भी टैलेंट है, यहाँ पे डांस हुआ, यहाँ पे कुकिंग हुआ, मेहंदी हुई,
यहाँ पे सिंगिंग भी हुआ, यहाँ के लोकल जो बच्चे हैं उनके लिए हम प्लेटफॉर्म देना चाहते थे। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी और उस पार्टी का स्टेज अगर उनको मिलता है तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। ये मुझे जब मैं उनके कांटेक्ट में आई, उनके साथ मैंने इंटरेक्शन किया, कल भी डांस में जो बच्चे जिनको प्राइज़ नहीं मिला लेकिन उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने बोला हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें प्राइज़ नहीं मिला लेकिन आपने हमें प्लेटफॉर्म दिया, लेकिन प्लीज़ दीदी ये कंटिन्यू रखिए क्योंकि हम नौजवानों को ज़रूरत है कि हमारी एक्टिविटी और हमारा टैलेंट हम लोग बाहर ला सके। तो इसको देख के ये भी लगता है कि मुमरा के लोग कितने कॉम्पिटिटिव है। बहुत कॉम्पिटिटिव है और उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये 15 दिनों में यूथ के साथ इंटरेक्शन करके बहुत सी चीज़ें मुझे उनसे सीखने को भी मिली। मुमरा के बारे में जी, हर तरह के मामले, हर सोच के बारे में जरूर जरूर मुमरा यंग होना चाहिए। एनसीपी यंगस्टर्स की पार्टी है, हमारे जो वरिष्ठ नेता है वो हमेशा हम यंगस्टर्स को पुश करते हैं, आगे लाते हैं, तब नहीं तो ये फेस्टिवल कामयाब नहीं हो पाता था क्योंकि उसका बेस ही हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो नेता है मुमरा के, अवर साहब के साथ भाई साहब है, शमीम भाई साहब है, शानू भाई है, सब ने सपोर्ट किया है और उनका उनका सपोर्ट इतना स्ट्रांग था उसके लिए हम लोग कर पाए। और यंग यूथ के लिए हमेशा इसके आगे और भी चीज़ें हम लोग करते रहेंगे। अभी हम कल ही मैंने बात की कि बोला जाता है मुमरा के बच्चे ड्रग्स के गए अधीन गए हैं, नशा करते हैं, हम लोग अगर उनको ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे, उनको इन चीज़ों में अगर हम बिज़ी रखेंगे तो उनको टाइम ही नहीं मिलेगा ना ड्रग्स लेने के लिए और नशा करने के लिए। तो हम ही अपने मुमरा के लिए बेहतरीन सोच सकते हैं क्योंकि मेरी पैदाइश यहाँ की है, हम मुमरा के लोग हैं, तो मुमरा का बेहतरीन मुमरा के लोग ही सोच सकते हैं। आप शानदार, मतलब आपने मेले का कठिनाइयाँ आई लेकिन उनको हमने पार कर दिया, उससे हम लोग बाहर निकल गए। ठीक है, कुछ चीज़ें हमें नहीं करनी पड़ी, भाई साहब ने उसका जवाब दे दिया कि जो चीज़ें अगर हमारे करने से किसी को तकलीफ़ होती है तो दूसरी जगह पे वो चीज़ें हो रही है और उसका अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो मैं तो ये ऐसे मान के चलती हूँ कि किसी की अगर प्रगति हो रही है तो थोड़ा सा तो किसी को तो चुभेगा ही, तो वो थोड़ा सा हो गया होगा और उसकी वजह से, तो इसका मतलब है कि हमारी हम यूथ की कहीं पे तो बढ़ती हो रही है, हमारी प्रगति हो रही है, इसके लिए ये बुरी चीज़ें होती है, इसके लिए हमेशा काला टीका लगाया जाता है, तो वो एक काला टीका था ये सोच के हम लोग भूल जाएंगे। और बाकी का जो 15 दिन लोगों ने इतनी दुआएँ दी, इतने आशीर्वाद दिए, तो उसका आगे चल के मुझे ज़रूर फ़ायदा होने वाला है, हमारी पार्टी को फ़ायदा होने वाला है। जनता हमारे साथ थी, उन्होंने हमेशा मुमरा के आवाम ने कभी भी अच्छे कामों के लिए वो पीछे नहीं हटी है, हमेशा साथ रही है। तो मेरा इंटेंशन अच्छा था और मुझे पता था, विश्वास था कि मेरे पार्टी के वरिष्ठ लोग मेरे साथ है, जनता मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है।